साथियों आदाब, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7, जर्रों को भी इंसान बना दो। ए अहले वतन, जाने वतन बन के दिखा दो, तुम खाक के जर्रों को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। खुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिम कामिल, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको पढ़ा दो। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इमकान है तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। कांटों को जहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो। हे मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरूह हो जला दो के दबा दो। उम्मीद है कि आपको ये नज़्म बहुत पसंद आई होगी, और ये समी अकबर आबादी की है। और इसके बाद इसके अल्फाज मानी देखते हैं। अहले वतन, वतन के लोग, तजल्ली रोशनी, तन जिस्म, बावकार इज्जत वाला, तफरीक फ़र्क करना, फूट फूट डालना, कुव्वत ताकत, कामिल जो शख्स किसी इल्म या हुनर या किसी फन में कमाल रखता हो, इम्कान में होना, बस में होना, गुलजार वो जगह जहाँ बहुत से फूल खिले हों। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ तशरीह भी दे रखी है। वैसे तशरीह की इतनी ज़रूरत नहीं, बहुत आसान नज़म है, फिर भी आपको मैं तशरीह दिखा देता हूँ। तशरीह देख सकते हैं आप इसकी, हर शेर के नीचे उसकी तशरीह है, किस तरह करनी है, एक तरीका भी आपके समझ में आ जाए। अब इस नज़म का यहाँ खुलासा है। शायर वतन के लोगों को मुखातिब करते कहता है कि तुम अपनी मेहनत और कोशिश से मामूली इंसान के अंदर इल्म की वो खूबी पैदा करो कि तुमको लोग जानो वतन के नाम से याद करें। इंसान वो है जिसके अंदर इल्म की रोशनी होती है, इसलिए इंसान खुद भी इल्म हासिल करे और दूसरों को भी पढ़ना लिखना सिखाए। जिससे इंसान के अंदर इल्म की दौलत है तो उसके लिए दुनिया की कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, और वो अपनी मेहनत से हर मुश्किल काम को आसान बना सकता है। वतन से जहालत को ख़त्म कर देना चाहिए और मुल्क के अंदर इल्म को आम कर दो। मुल्क में आपसी रंजिश झगड़े की वजह से इल्म की कमी है, अगर तुम इल्म की इस कमी को दूर कर दो तो मुल्क में नफरत के बजाय मोहब्बत, भाईचारा, यकजहती पैदा। दरअसल इल्म के बगैर जीना इंसान के लिए बेमानी जैसे बहरूह के जिस्म है। अब देखिए मरकजी किरदार क्या है इसका, मरकजी ख्याल नज्म। इस नज्म में वतन के लोगों के मुख्तलिफ अंदर इल्म हासिल करने की तलकीन की है। शायर इल्म की रोशनी और जहालत की तारीखी बताया है और वतन के लोगों से दरख्वास्त की है पूरे मुल्क में इल्म की रोशनी फैला दी जाए ताकि नफरत की वजह से जहालत ख़त्म हो जाए और लोगों में कौमी यकजहती पैदा हो जाए। आखिर में शायर ने कहा, इल्म के बगैर इंसान ऐसा है जैसे बेरू के जिस्म। इसके बाद इसके अल्फाज मानी देखते हैं। वतन के लिए जानो वतन कैसे बन सकते हैं। वतन के लिए दूसरे लोगों को अच्छा इंसान बनाकर, उन्हें पढ़ा लिखा कर, मुल्क से जहालत को दूर कर इल्म की रोशनी फैलाकर और यकजहती पैदा करके जानो वतन बन सकते। शायर के नज़दीक इंसान और हैवान में क्या फ़र्क है। शायर के नज़दीक वही इंसान है जिसके पास इल्म की रोशनी, और जिसके पास इल्म की रोशनी नहीं वो हैवान है। इल्म हासिल करके क्या क्या काम किए जा सकते हैं। इल्म हासिल करके बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, मसलन जहालत को दूर करना, अनपढ़ लोगों को पढ़ाना, और मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। कांटों और फूलों से शायर का क्या मतलब है।
थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई हुई है, लेकिन मुझे यहां से कुछ कुछ दिख रहा है। शायर के नजदीक कांटों से मुराद मुल्क में फैली हुई जहालत और फूलों से मुराद इल्म है, जिसके जरिए हम बुराइयों को उनकी जड़ से जहालत को दूर कर सकते हैं। जहालत की वजह से मुल्क का क्या नुकसान होता है? जहालत की वजह से हम मुल्क की तरक्की नहीं कर सकते और ना ही मुल्क में तफरीक कभी खत्म हो सकती है। इससे हमारे मुल्क को बहुत नुकसान होगा। इल्म की कुव्वत से मुल्क की तामीर और तरक्की कैसे मददगार साबित, इल्म की कुव्वत से मुल्क की तामीर और तरक्की इसलिए मददगार साबित हो सकती है, अगर मुल्क के अंदर इल्म ना हो तो इल्म की रोशनी में मुल्क तरक्की के बारे में सोचेगा, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जद्दोजहद करेगा। आखिरी शेर में शायर का क्या कहना है? आखिरी शेर में शायर का कहना है कि जिस इंसान के अंदर इल्म ना हो वो मुर्दा है, मुर्दा है, चाहे उसे जला दो या मिट्टी में दबा दो, उसमें कोई फर्क नहीं होता। अब मिसरे के अंदर पिलिंदा ब्लैंक्स यानी खाली जगह पुर करिए, देखिए यहाँ यहाँ भरा हुआ है आप देख सकते हैं, और मिसरों को तरतीब भी देना है, जैसे सीधे सीधे पड़े थे वैसे वैसे तरतीब। इसके अगले सफ़े पे देखते हैं क्या चीज़ें हैं, अगले पेज पे वही सब चीज़ें हैं और इन लफ्ज़ों के मुतजाद। मुतजाद किसे कहते हैं? अपोजिट वर्ड्स, उल्टा, जमीन आसमान, इंसान हैवान, आलिम जाहिल, फूल कांटा, जीना मरना, अनपढ़ पढ़ा लिखा, ठीक है, उल्टा होता है बिल्कुल। और इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल मैंने आपको पहले भी सिखाया था, वो लफ्ज़ आना चाहिए और एक मानी जिसके कुछ मानी हो वो जुमला बनना चाहिए। इल्म, इल्म हासिल करना इंसान की इज्जत को, इंसान को इज्जत मिलती है ना, तजल्ली, इंसान में इल्म की तजल्ली होनी चाहिए, गुलजार। अब ये सारे जो है आप खुद देख लीजिए, और इसके अगले पेज पे है और करने की बातें, पढ़ने लिखने और हासिल करने से इंसान को इज्जत मिलती है, मुल्क में फैली बुराइयों को जड़ जहालत है, जहालत को दूर करना और अनपढ़ लोगों को पढ़ाना हमारा फर्ज है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।